ओम सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है, अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी आठ भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्भड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्भड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। ये देवी ही शाकंभरी और माँ शाताक्षी के नाम से जानी जाती है। जब पृथ्वी पर कई हजार वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी और प्राणियों में हाहाकार मच गया था, तब देवी ने शाकंभरी का रूप लेकर के ही अपने शरीर से जो शाक उत्पन्न किए उसी से मानव जाति का भरण पोषण किया और माँ शताक्षी का रूप लेकर अपने 100 नेत्रों से पूरे 9 दिन और 9 रात्रियों तक माता निरंतर रोती रही थी, जिसके जल के कारण वर्षा से शाक उत्पन्न हुए। ये माँ तुष्टि संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। यही माँ अन्नपूर्णा है। इनकी आराधना का मंत्र मैंने आपको आरंभ में बता दिया है। इनकी आराधना का दूसरा मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ माँ कुष्मांडा यानी चतुर्थ दिन की हमारी कथा संपूर्ण होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली कथा में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।